हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फॉर CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट्स आल्सो। ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों का जब एग्ज़ाम आप लोग दे रहे थे, जो एग्ज़ाम आप लोगों का 3 जनवरी से जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, तो उसमें अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हुआ था, चाहे कोई इश्यू क्रिएट हुआ था आपको सिस्टम से रिलेटेड, चाहे आपका लॉगिन नहीं हो पाया था आपका सिस्टम, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे कोई भी रीजन्स के कारण, जिसमें कि आपका फॉल्ट नहीं होना चाहिए, फॉल्ट सिस्टम का मतलब आपका लैपटॉप का प्रॉब्लम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लैपटॉप का प्रॉब्लम होना चाहिए, आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा री एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है, तो उसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होगा जिसका सिस्टम जेनरेशन रिपोर्ट इंस्टीट्यूट खुद निकालेगा। सिस्टम जेनरेशन रिपोर्ट इंस्टीट्यूट खुद निकालेगा। जो भी स्टूडेंट्स का सिस्टम जेनरेशन रिपोर्ट में अगर नाम आ जाएगा, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है, जो री एग्जाम होने वाला है ना। हाँ, और ये बता दूं, ये री एग्जाम कब होगा, ए री एग्जाम आफ्टर रीशेड्यूल्ड एग्जाम के बाद हो जाएगा, ठीक है। जो कि रीशेड्यूल्ड एग्जाम अभी चल रहा है ना, कुछ साउथ इंडिया स्टेट में जब एग्जाम हुआ था 3 से 10 जनवरी तक, तो उस समय इन लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम था उसमें वहाँ पे, इसलिए कोविड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए उस समय वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाया था। उन लोगों का एग्जाम अभी चल रहा है, रीशेड्यूल्ड एग्जाम उन लोग का चल रहा है। तो आफ्टर रीशेड्यूल्ड एग्जाम आप लोगों का जो री एग्जाम होने वाला है वो डेफिनेटली हो जाएगा। आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि ये एग्जाम आप लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट के लिए भी एंड CMA फाइनल के लिए भी, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, एक चीज और बता दूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट तो सिस्टम जनरेशन रिपोर्ट तो निकालेगा ही कि जो भी स्टूडेंट्स का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उन लोगों का नाम उसमें आ जाएगा। आप लोग जब एग्जाम दे देंगे जिस सिस्टम जनरेशन रिपोर्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा, तो ठीक है। अब आते हैं कि अगर आपके पास भी कुछ भी अगर प्रूफ है कि आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, तो आप भी इन्फॉर्म करते कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को बाई मेल करके, ठीक है। आप भी मेल कर दीजिएगा इंस्टीट्यूट को कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जनरेशन रिपोर्ट ऐसे तो है कि जिसका सिस्टम जनरेशन रिपोर्ट में नाम आएगा, सिर्फ वही कैंडिडेट या स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हो, फॉर CMA इंटरमीडिएट एंड CMA फाइनल का स्टूडेंट्स हो, वही एग्जाम में बैठ सकता है जो कि री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जो री एग्जाम है आप लोगों का, जो रीशेड्यूल्ड एग्जाम चल रहा है, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया था, जो मेन एग्जाम था, तो अपना जो हर एक को तो पता ही है कि मेरा एग्जाम में कुछ फॉल्ट था, तो जो भी कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए थे, तो आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों का एग्जाम आफ्टर रीशेड्यूल्ड एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ इसी पीरियड हुआ था, तो उन लोग के पास शेयर करिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।